बुआई की दूसरी विधि है किनारा से मध्य विधि। इस विधि में बुआई की प्रक्रिया लगभग किनारा से किनारा की तरह ही है। दोनों विधि में अंतर सिर्फ इतना है कि एक बार जब मशीन किनारे से होते हुए एक छोर से दूसरे छोर जाती है तो वापसी में मध्य से लौटती है। बुआई की विधि चाहे कोई भी हो, लेकिन जीरो टिलेज अपनाने के साथ ही आपको ध्यान में रखनी होगी कुछ जरूरी बातें। जी हाँ, कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, जिसके बाद ही आप गेहूं की अच्छी फसल ले पाएंगे। तो आइए गौर करते हैं कुछ ध्यान में रखने योग्य बातों पर। किसान भाइयों, उस खेत में जीरो टिलेज मशीन का उपयोग ना करें जहां से जल की निकासी ना हो। खरपतवार वाले खेत में उचित दवा के छिड़काव करने के 7 दिनों बाद ही बुआई करें। ध्यान रहे, अत्यधिक गीली जमीन में भी इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। मोड़ पर मशीन ट्रैक्टर हाइड्रोलिक से उठाकर मोड़ें और मशीन को लाइन पर गिराने के बाद ट्रैक्टर से मशीन चलाएं। हर मोड़ पर ये जांच लें कि पाइपों से खाद बीज गिर रहा है या नहीं। ध्यान रहे कि बॉक्स में खाद बीज एक समान रूप से हर छिद्र के ऊपर रहना चाहिए। इस तकनीक को सीखकर और इन सावधानियों को ध्यान में रखकर आप निश्चित तौर पर गेहूं की अच्छी उपज ले सकते हैं। और खुशी की बात तो ये है कि इस विधि को अपनाने में आप सरकारी सहायता भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब समय आ गया है कि आप जीरो टिलेज जैसी आधुनिक तकनीक को अपनाएं और अपना खर्चा, समय और मेहनत तीनों बचाकर बदले में पाएं उन्नत पैदावार।